दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने अपनी चार्जशीट तैयार कर ली है। कल ईडी चार्जशीट दाखिल करेगी। ईडी ने उन्हें शराब घोटाला मामले का किंगपिन बताया है। ईडी की इस चार्जशीट से केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये पहली बार होगा जब ईडी केजरीवाल को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाएगी। माना जा रहा है कि इस चार्जशीट के बाद केजरीवाल की जमानत पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि ये चार्जशीट ऐसे वक्त पर दाखिल की जा रही है जब केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई हो सकती है। ईडी अपनी चार्जशीट में केजरीवाल का नाम मुख्य साजिशकर्ता और किंगपिन के तौर पर दर्ज करने जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि उसने अरविंद केजरीवाल से जुड़े मनी ट्रेल का पता लगा लिया है। ईडी का कहना है कि कुछ और लोगों को भी आरोपी बनाया जा सकता है। पहले भी मौखिक तौर पर ईडी के वकील केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में मुख्य साजिशकर्ता बता चुके हैं। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी। उन्हें अब तक इस मामले में कोई राहत नहीं मिल पाई है। हाई कोर्ट ने भी उनकी गिरफ्तारी को सही करार दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनके वकील से पूछा था कि केजरीवाल ने 9 बार समन को क्यों टाला। जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा था, ईडी ने केजरीवाल को 9 बार नोटिस भेजा, उन्होंने हर बार क्यों टाल दिया। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, जब सीबीआई ने बुलाया तो वो गए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के नोटिस का विस्तार से जवाब दिया, लेकिन ईडी ये नहीं कर सकती कि आप समन भेजने पर नहीं आए, इसीलिए हमने गिरफ्तार किया। ईडी दफ्तर ना जाना उनका अधिकार है, इस पर अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है। ये गिरफ्तारी का आधार या कारण नहीं हो सकता। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी और तब से अब तक वो जेल में है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।